हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम देख रहे हैं वीडियो, इसमें हम एमपी जीके का यह पार्ट देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर और एमपी पुलिस जो 2017 में हुई थी उसके सारे पुराने पेपर का हल देख रहे हैं। ठीक है, एमपी जीके की वीडियो आप देख ही रहे हैं। तो जो लोग एमपी पुलिस या फिर एसआई की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये जो है वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने इन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा संभाग है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा भोपाल संभाग। ठीक है, तो भोपाल संभाग के अंदर जो कुल जिले हैं, कुल जिलों की संख्या कितनी है? 5। ठीक है, उसमें क्या क्या है? पहला भोपाल खुद, फिर उसके बाद है सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा। ठीक है, भोपाल संभाग के अंदर 5 जिले हैं। अब इन 5ों जिलों को डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं भोपाल। तो देखिए, भोपाल जो है आप सभी जानते हैं, AIIMS मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस जो कि भोपाल में स्थित है। इसी के साथ IIM मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIFM मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट और IIFT मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये चारों जो है भोपाल में ही अवस्थित है। इसी के साथ अगर बात की जाए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक संस्थान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, तो ये भी भोपाल में है। अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय, देखिए हिंदी विश्वविद्यालय जो कि अटल बिहारी जी के नाम पर है, अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय, वो भी भोपाल में स्थित है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। फिर आगे है वन विहार नेशनल पार्क। ठीक है, वन विहार नेशनल पार्क जो कि भोपाल में स्थित है। भेल मतलब BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो कि भोपाल में स्थित है। वल्लभ भवन सचिवालय, देखिएगा वल्लभ भवन सचिवालय जो कि भोपाल में है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी संस्थान, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये सभी जो है भोपाल में स्थित है। इसी के साथ अगर बात की जाए तो सरोजिनी नायडू महाविद्यालय और तात्या टोपे स्टेडियम, ऐशबाग स्टेडियम, ठीक है, भोपाल के जो दो मेन स्टेडियम है, मैंने आपको बताया है कि तात्या टोपे स्टेडियम और ऐशबाग स्टेडियम जो कि भोपाल में स्थित है। मैंने एक वीडियो बनाई है स्टेडियम और इन सभी के ऊपर, तो आपने अगर नहीं देखी हो तो आप उसे देख लीजिए। ठीक है, ये जो दो स्टेडियम है भोपाल में स्थित है। इसी के साथ अगर बात की जाए तो भोज मेगा खुला विश्वविद्यालय जो कि भोपाल में स्थित है। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि केंद्र जो कि भोपाल में स्थित है। बिड़ला म्यूजियम, ठीक है, बिड़ला म्यूजियम जो है वो भोपाल में है। कमला नेहरू जू, ठीक है, ताजुल मस्जिद, ढाई सीढ़ी की मस्जिद, देखिए ताजुल मस्जिद और ढाई सीढ़ी की मस्जिद ये दोनों भी भोपाल में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगर बात की जाए तो नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा जो कि भोपाल में स्थित है, ये क्वेश्चन अधिकतर आता है एग्जाम में। भोजपुर सबसे बड़ा शिवलिंग, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग यही स्थित है। ठीक है, आगे है सात पहाड़ियों का नगर, इसे सात पहाड़ियों का नगर भी कहा जाता है और झीलों की नगरी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ अगर बात की जाए तो रेल सेवा आयोग, पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान, पुलिस उनाव मतलब जो लोग होते हैं उनके प्रशिक्षण संस्थान, धीरू भाई अंबानी विश्वविद्यालय, देख लीजिए धीरू भाई अंबानी विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है। जीवाणु खाद्य संयंत्र, भू उपग्रह नियंत्रण केंद्र और सर्वाधिक महिला साक्षरता, देखिए सर्वाधिक महिला साक्षरता भोपाल में है। सर्वाधिक जन घनत्व और NCERT का मुख्यालय भी भोपाल में अवस्थित है। ठीक है, तो ये हो गया भोपाल। अगर हम आगे बात करें सीहोर जिले की, तो देखिए सीहोर जिला जो है इसका पुनर्गठन 1 अक्टूबर 1972 को हुआ और भोपाल से अलग करके इसको बनाया गया। ठीक है, 1 अक्टूबर 1972 से पहले जो सीहोर जिला था वो भोपाल के साथ मिला हुआ था और उसी दिन 1972 को क्या हुआ, भोपाल को अलग करके एक नया जिला सीहोर बनाया गया। ठीक है, गठन के पूर्व इसका नाम था निजाम ए मशरीफ। ठीक है, गठन के पूर्व क्या नाम था, निजाम ए मशरीफ। कुंवर चैनसिंह की छत्री स्थित है, देखिए कुंवर चैनसिंह जो है उनकी छत्री यहाँ स्थित है। नाना पेशवा महाराज की समाधि यहाँ पर है। प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय सीहोर में स्थित है, ये क्वेश्चन अधिकतर बार एग्जाम में आया है।
कि पहला आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ है प्रदेश का? देखिए सीहोर में स्थित है। पार्वती का उद्गम, पार्वती नदी का उद्गम और सारू मारू की गुफाएं भी यहाँ पर है, ठीक है, सीहोर की बात हो रही है। रातापानी अभयारण्य सीहोर में है, रातापानी अभयारण्य जो है वो सीहोर और रायसेन दोनों जिलों में है, ठीक है। चलिए अगर बात की जाए रायसेन की, तो देखिए भीमबेटका की जो गुफाएं है वो रायसेन में स्थित है, आप सभी जानते हैं। सम्राट जो अशोक थे उनके द्वारा निर्मित सांची स्तूप जो है वो यहीं पर सॉरी रायसेन में स्थित है। रायसेन का दुर्ग रायसेन में है, मगेंद्रनाथ की गुफा यहाँ पर है और देखिए बेतवा नदी का उद्गम यहाँ पर हुआ है, जिसे कि एमपी की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। नदी नदी के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है अलग से, जिसमें एमपी की सारी नदियों के बारे में जो हमने डिस्कस किया है, तो अगर आपने उस वीडियो को भी नहीं देखा हो तो आप प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, राजगढ़ जिले पर आते हैं। तो देखिए राजगढ़ जिले में चतुर्भुज मंदिर है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। चिड़ी खो अभयारण्य जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी, जिसे मालवा का कश्मीर भी कहा जाता है। देखिए चिड़ी खो अभयारण्य, ध्यान रखिएगा, इसे मालवा का कश्मीर भी कहा जाता है क्योंकि इसकी सुंदरता इतनी अच्छी है। और अगर बात की जाए तो नेवज नदी का उद्गम यहीं से हुआ है, ठीक है, नेवज नदी का उद्गम राजगढ़ से हुआ है। ब्यावरा तहसील को राजमार्गों का चौराहा कहते हैं, मतलब यहाँ पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो ऐसे है राजगढ़ में, तो इसे क्या कहा जाता है, राजमार्गों का चौराहा। आगे अगर बात की जाए तो रानी रूपमती का मकबरा यहाँ स्थित है। पर्यटन स्थल की अगर बात करें तो राजगढ़ दुर्ग, नरसिंहगढ़ का किला, चापी डैम और चिड़ी खो झील, ठीक है, अंधियारी खो, जामुन खो, नरसिंह महल और रूप महल, ठीक है, ये दो यहाँ पे मेन महल है। और बाकी ये जो मैंने आपको बताया है अधियारी खो, जामुन खो, चापी डैम और चिड़ी खो झील, ये अधिकतर क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है राजगढ़ में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विदिशा पर आते हैं। तो हेलियोडोट जो थे उनके द्वारा निर्मित गरुड़ स्तंभ जो था वो यहीं पर स्थित है, ठीक है। उदयगिरी की गुफाएं यहाँ पर है और देश का सेंटर पॉइंट यही है, देश का जो सेंटर पॉइंट है वो विदिशा में स्थित है। आगे अगर बात की जाए तो नेक्स्ट जो हमारा संभाग है नर्मदापुरम, तो नर्मदापुरम के अंदर जो जिले आते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट जिला है होशंगाबाद, तो होशंगाबाद का जो प्राचीन नाम, जो पुराना नाम था वो था नर्मदापुर, ठीक है। आगे बात की जाए, एमपी की एकमात्र महिला जेल यहाँ पर स्थित है और एमपी का पहला जो है मदर मिल्क बैंक यहाँ पर है, ठीक है, एमपी का पहला मदर मिल्क बैंक जो है वो यहाँ पर है। होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, ये क्वेश्चन अगर बन सकता है कि होशंगाबाद जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपको बताना है नर्मदा नदी के। इटारसी में एमपी का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, ठीक है, आपको पता ही है इटारसी में एमपी का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है और उसी के साथ सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ स्थित है। हिल स्टेशन पंचमढ़ी और जहाँ सबसे ज्यादा जो है वर्षा होती है, ठीक है, ये यहाँ का मेन है हिल स्टेशन पंचमढ़ी और सबसे ज्यादा जो है वर्षा होशंगाबाद में होती है। आगे अगर बात की जाए बैतूल की, तो देखिए एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना, बैतूल की अगर बात करें तो एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना यहाँ पर है। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र है यहाँ पर। मुलताई तहसील से जो है ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है, देखिए बैतूल की मुलताई नदी से ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है और पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, ताप्ती नदी की अगर बात हुई है तो पूर्व से पश्चिम की ओर जो है ताप्ती नदी बहती है। दिगंबर जैन संप्रदाय के 52 मंदिर यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा। आगे अगर बात की जाए हरदा जिले की, तो देखिए कृषि उत्पादकता की दृष्टि से मिनी पंजाब के नाम से इसे जाना जाता है, हरदा की बात हो रही है, कृषि उत्पादकता की दृष्टि से इसे मिनी पंजाब मतलब छोटा पंजाब भी कहा जाता है। अगर प्रमुख नदी की बात की जाए तो देखिए गंजाल व नर्मदा ये दोनों यहाँ की प्रमुख नदियाँ है। NH-59A जो कि हरदा जिले से गुजरता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे अगर बात की जाए नेक्स्ट हमारा संभाग जो कि सागर संभाग है, तो सागर जिला जो है, देखिए इसके अंदर जो जिले हैं उसमें फर्स्ट है सागर जिला, तो सागर जिला जो है भारत का हृदय जिला भी कहलाता है, ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है भारत का हृदय जिला तो वो है सागर जिला। उसी के साथ एमपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय डॉक्टर हरसिंह गौर विश्वविद्यालय है,
जो कि अब केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस टॉपिक को कि एमपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय डॉक्टर हरसिंह गौर विश्वविद्यालय जो कि अब केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है। आगे अगर बात की जाए प्रमुख नदियों की तो देखिए दसान, बेवस, बामनेर, सोनार, देहार, ये कुछ नदियां हैं जो कि सागर जिले की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, NH-26 और NH-86 यहाँ से होकर गुजरते हैं। आबचंद की गुफा यहाँ स्थित थी। ठीक है, नोरादेही वन्य जीव अभयारण्य जो कि सबसे बड़ा अभयारण्य है वो सागर संभाग में फैला हुआ है। ध्यान रखना है आपको, मैंने कहा है सागर संभाग में फैला हुआ है नोरादेही वन्य जीव अभयारण्य जो कि सबसे बड़ा अभयारण्य है। चलिए आगे, अगर दमोह की बात की जाए तो पीतल नगरी के नाम से इसे जाना जाता है, इसे पीतल नगरी भी कहा जाता है। प्रमुख नदी यहाँ की है सुनार और बेरमा। ठीक है, आगे अगर बात की जाए तो वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी दमोह में स्थित है। ठीक है, जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल जो कि कुंडलपुर में है वो भी दमोह के अंतर्गत आता है, जहाँ इनके 60 मंदिर है। ठीक है, जैन धर्म के 60 मंदिर यहाँ पर स्थित है। आगे अगर बात की जाए पन्ना जिले की तो आप सभी जानते हैं प्राचीन नाम था इसका पद्मावतीपुरी। ठीक है, पद्मावतीपुरी पन्ना का प्राचीन नाम था और सबसे ज्यादा हीरा उत्पादन पन्ना में होता है। ठीक है, आगे है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1981 में हुई थी। देखिए राष्ट्रीय उद्यान मैंने इसलिए लिए हैं, वैसे तो मैंने राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, पर राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य से संबंधित बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने इनको आपको डबल रिपीट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको अगर राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, गंगा अभयारण्य भी पन्ना में स्थित है। आगे है प्रमुख नदियां तो केन, मधुसन, पत्नी, सीमादी। ठीक है, ये जो है प्रमुख नदियां जो कि पन्ना की है, और रेप्टाइल पार्क जो कि पन्ना में अवस्थित है। ठीक है, आगे अगर बात की जाए छतरपुर जिले की तो देखिए खजुराहो का जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है 1976 में इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, खजुराहो में जो प्रमुख पर्यटन स्थल है उसे 1976 में यूनेस्को में शामिल किया है। और इसके अगर प्रमुख मंदिरों की बात की जाए तो 64 योगिनी मंदिर जो कि छतरपुर में है, चित्रगुप्त मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है, ये कुछ मेन मंदिर थे जिन्हें जो मैंने आपको बताए हैं। इसी के साथ NH-75 और NH-86 यहाँ से होकर गुजरते हैं छतरपुर से। आगे घड़ियाल संरक्षण अभयारण्य केन नदी के पास में। ठीक है, घड़ियाल जो संरक्षण अभयारण्य है वो केन नदी के पास में है, और प्रमुख नदी यहाँ की है एक तो केन नदी, उर्मिल, धसान और सोनार। ठीक है, ये कुछ प्रमुख नदियां हैं छतरपुर की। छत्रसाल का मकबरा और रानी बेरछा का मकबरा यहीं स्थित है। ध्यान रखिएगा छतरपुर में छत्रसाल का मकबरा और रानी बेरछा का मकबरा यहीं स्थित है। आगे अगर बात की जाए टीकमगढ़ की तो देखिए पूर्व नाम था इसका टेहरी। ठीक है, टेहरी के नाम से इसे पहले जाना जाता था। प्रमुख नदी की अगर बात की जाए तो बेतवा नदी, धसान नदी और जामनी नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। भारत में प्रथम नदी तालाब जोड़ने वाली परियोजना टीकमगढ़ में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत में प्रथम नदी तालाब जोड़ने वाली परियोजना जो है वो टीकमगढ़ में स्थित है। चलिए अगर आगे बात की जाए निवाड़ी की तो आप सभी जानते हैं निवाड़ी जो जिला है वो हमारा एमपी का 52 मतलब 52वां जिला बना है, और इस जिले का जो गठन है वो 1 अक्टूबर 2018 को हुआ है, और इसे टीकमगढ़ जिले से अलग किया गया है। अभी जो पिछला हमने टॉपिक पढ़ा था टीकमगढ़, उस जिले से इसको अलग करके 1 अक्टूबर 2018 को 52वां मध्य प्रदेश का 52वां जिला बनाया गया है। ठीक है, अगर यहाँ की प्रमुख नदी की बात की जाए तो बेतवा नदी जो है निवाड़ी जिले से होकर गुजरती है। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से देखिए सबसे छोटा जिला जो है निवाड़ी है। ठीक है, क्योंकि ये 52वां जिला है इसलिए ये जो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे छोटा जिला जो कि दूसरा था अब यहाँ पे हो गया है निवाड़ी। ठीक है, मुख्य पर्यटन स्थल की अगर बात की जाए तो ओरछा का किला यहाँ स्थित है, जहांगीर महल स्थित है और लक्ष्मी मंदिर यहाँ स्थित है। ठीक है, मेन कुछ है जो पर्यटन स्थल है जो कि निवाड़ में स्थित है।
इसी के साथ NH39 और NH44 यहीं से होकर गुजरते हैं। प्रथम कलेक्टर की अगर बात की जाए तो अक्षय सिंह जो है प्रथम कलेक्टर बने हैं यहाँ के, और प्रथम पुलिस अधीक्षक की बात की जाए तो मुकेश श्रीवास्तव जो है प्रथम पुलिस अधीक्षक बने हैं। ठीक है, ये हो गया निवाड़ी जिला। आज हमने शायद 3 संभाग को कवर किया है, एक और वीडियो आएगी जिसमें कि हम सारे बचे हुए जितने भी संभाग हैं उन्हें भी कवर कर लेंगे। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर और MP पुलिस जो 2017 में हुए थे उन सभी के पुराने पेपर, इन सभी की जो वीडियो है हम आपको दे रहे हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा हो तो आप प्ले लिस्ट में जाके जरूर चेक करें, या फिर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।